वेलकम बैक दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉपर सल्फेट बनाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल लैब में होता है और ये बिल्कुल ही लैब की तरह जो होता है काम करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ केमिकल्स रिक्वायरमेंट होगी और कुछ रिएक्शन कराना पड़ेगा, तो वो सब हम कराएंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ख़तरनाक भी है और इसमें हम खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी तो टीम ही ATPM है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर हमें दो केमिकल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो कि मैं यहाँ पर 47% ले रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो मैं इन दोनों केमिकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमें एक मेटल की भी जरूरत पड़ेगी, वह है कॉपर मेटल। दोस्तों यहाँ पर हम फ्लास्क की जगह पर यहाँ पर एक पुराने बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको देखिए मैं तोड़ के इसके अंदर का सारा मटेरियल निकाल दिया है। यह फ्लास्क की तरह ही काम करेगा और यहाँ पर हम एक जुगाड़ में ले रहा हूँ जो कि मैंने खुद से बनाया है। इसको यहाँ से हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। दोस्तों ये बल्ब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकता है तो ये फूटेगा नहीं इसे गर्म करने पर। अब हमें लेना होगा एक केमिकल जो कि है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसकी थोड़ी सी मात्रा को हम अपने इसके अंदर निकाल ले, दोस्तों इसकी ढक्कन निकाल लेता हूँ मैं और अब इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसके अंदर हम डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ही है तो हम आज थोड़ा सा ही बनाएंगे। ये थोड़ा सा बनाओ यार, फिर ज़्यादा बनाओ, बात एक ही है, प्रोसेस वही होगा, बनेगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली हम बना कर आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी सल्फ्यूरिक एसिड की जो कि यहाँ पर 47% है। यहाँ पर 20% का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये काफ़ी हार्ड एसिड है तो यहाँ पर 47% नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड से थोड़ा सा ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हमें ज़रूरत है इसको हीट करने की। यहाँ पर देखिए मैंने एक कैंडल लगा दिया है और इस पर अब हम अपने सॉल्यूशन को यहाँ पर हीट करेंगे और इसको तब तक हीट करना है जब तक यह अच्छे से एकदम बॉयल ना करने लगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से एकदम बॉयल होने लगा है। अब इसके साथ में हम रिएक्ट कराएंगे अपने कॉपर मेटल को। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉपर मेटल के टुकड़े ले आता हूँ और उसकी रिएक्शन अब हम इस अपने सॉल्यूशन के साथ में कराते हैं। यहाँ पर मैंने कॉपर पेपर को ले लिया है और उसके छोटे छोटे पीसे को हम तोड़ तोड़ के इसके अंदर फटाफट से जल्दी जल्दी से मैं डाल देता हूँ जिससे कि फटाफट से अपना रिएक्शन स्टार्ट कर दे। दोस्तों यहाँ पर देखिए रिएक्शन जो है हमारा बहुत ही तेज़ी से होने लगा है कॉपर मेटल डालते ही, और यहाँ पर ये अब ब्लू कलर का हो जाएगा रिएक्ट करके। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए और वीडियो का एंजॉय कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो फास्ट किया था तो यहाँ पर लगभग रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो ही चला है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्मोक भी निकल रहा है यहाँ पर वेपर्स और स्मोक की तरह आपको दिख रहा होगा आई थिंक, और यहाँ पर रिएक्शन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब इस अपने सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कंटेनर ले रहा हूँ और हमारा जो सॉल्यूशन है यह ठंडा हो चुका है तो इसको इसके अंदर हम निकाल लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का हो चुका है, मतलब इसका साफ मतलब है हमारा कॉपर सल्फेट जो है 100% बना है। इसकी रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे चल के। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कॉपर मेटल भी जो हमारा था वो भी है तो इसको हम फटाफट से निकाल देते हैं इसके अंदर से। दोस्तों पेश है आपके सामने होम मेड कॉपर सल्फेट जो कि दोस्तों थोड़ा सा ही बना है लेकिन 100% सक्सेसफुल यहाँ पर बना है। यहाँ पर हमने 100% सक्सेसफुली तूतिया बना लिया, मतलब कॉपर सल्फेट बना लिया। तो अब चलिए इसकी रिएक्शन,
यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रिएक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट मैंने ले लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पर दो आयरन से बने कील को लेंगे। दोस्तों रिएक्शन काफ़ी सिंपल होता है, यहाँ पर आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर बनाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर उससे अलग हो जाता है। तो मैं इसके अंदर इसको डाल दे रहा हूँ, और बस कुछ ही मिनट्स में देखना आप, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में यह रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा फेरस सल्फेट जो है बनना वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर धीरे धीरे हमारा सोल्यूशन हरा होने लगता है, तो मैं आपको ज़्यादा देर इसमें नहीं रख के दिखाऊंगा, आपको दिख रहा होगा सोल्यूशन थोड़ा हरा हो चुका है, बहुत ही हल्का हल्का। और यहाँ पर देखो भाई साहब, वाह यार, मतलब यार बहुत अंदर से खुशी होती है जब हमारा रिएक्शन, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, सक्सेसफुल काम कर जाता है। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट जो है वो बन गया है, और यहाँ पर देखिए ये आयरन के साथ रिएक्ट करके देखिए आयरन को किल को कैसा कर दिया, पहले कैसा था और अब देखिए कैसा हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए ये हम पे जैसे लग रहा है इस पर जंग लग गया है, और इस पर देखिए जो कि है एकदम चमक रहा है। तो इसको भी डालते हैं इसके अंदर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसको इसके अंदर से निकालते हैं। रिएक्शन दोस्तों काफ़ी फास्ट होता है, तो ये भी देखो भाई, वाह यार मज़ा आ गया। मतलब जो भी बात है, हमारा मेहनत जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रोसेस है कॉपर सल्फेट बनाने का वो समझ में आया होगा, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट आपको कैसे काम करता है इसकी कुछ रिएक्शन भी मैंने आपको दिखाया, और इसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम आपको बताएं तो आप उसको घर पर करें ही। हमारा मकसद ये होता है कि आपको चीज़ों बताना कि मतलब चीज़ें ऐसे भी बनती हैं, ऐसे काम करती हैं, और ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं। जो बुक के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको समझाना होता है, दिखाना होता है बस, और हमारा कोई भी पर्पज नहीं होता। आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई नहीं करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।